दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आज जो है यहाँ पर आसूस और इंटेल की तरफ से एक बहुत ही कमाल की एक बॉक्स मेरे पास है और इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है। और यहाँ पे तहे दिल से जो है आसूस और इंटेल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और यहाँ पर उन लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन सबसे महंगा अनबॉक्सिंग मेरे चैनल के लिए एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, उसको ही आज अनबॉक्स करेंगे। सारी चीज़ें देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या है और इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी केक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। करने अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नए हो चैनल पर नीचे सब्सक्राइब रेड बटन प्रेस करो, साइड में जो घंटी है प्रेस कर देना ताकि कोई और डेटा फ्रेश अपडेट से मिस ना करे। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स फ्रंट की तरफ और ऊपर की तरफ भी आप लोगों को यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा रहेगा और साइड में ऐसी आप लोगों को व्यूज देखने को मिलेगी इस बॉक्स के अंदर। ऊपर इंटेल इनसाइड लिखा हुआ है और यहाँ पे रोग की एक स्ट्रैप है और ऐसा ही कुछ बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलता है ब्लैक कलर के अंदर। अभी अगर बॉक्स को हम लोग खोलते हैं तो खोलने के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को सील जो है वो ब्रेक करना होता है और उसके बाद बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलने के साथ साथ हमें बॉक्स की कंटेंट दिखाई देगी, तो इस तरीके की बॉक्स की पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो एक ब्लैक बॉक्स जो है वो देख लेते हैं क्या है और उसके बाद जो है अलग कुछ देखते हैं। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बॉक्स को कैसे खोलते हैं, हाँ इस तरीके से खोलते हैं और यहाँ पर जो है एक एसी अडाप्टर आप लोगों को देखने को मिलती है जो 240 वाट की है, जो एक चार्जिंग ब्रिक है जहाँ पे आप लोगों को एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है जो लैपटॉप में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे और एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, बॉक्स सील्ड है तो इसको क्रैक करके उसके बाद देखते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को लीफलेट देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पे वेबकैम की है, तो यहाँ पे GC21 की वेबकैम है। और यहाँ पे दो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, तो एक आप लोगों को वेबकैम होल्डर देखने को मिल जाती है और एक यहाँ पे वेबकैम है जो USB से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये बहुत ही हैंडी चीज़ है जो इस बॉक्स के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो वाइल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप लोगों को मेन पावर कॉर्ड देखने को मिलता है जिससे आप लोग डायरेक्टली आपकी बैटरी के ब्रिक को जो है कनेक्ट करोगे। और यहाँ पे आप लोग को एक गेमिंग हेडसेट देखने को मिल जाती है दोस्तों, जो कि है क्वाड डेक। यहाँ पे डेल्टा नाम का एक आप लोग को देखने को मिल जाए ROG डेल्टा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आप लोग को गेमिंग हेडसेट देखने को मिल जाए जो फ्री बॉक्स के अंदर आता है। और यहाँ पे आप लोग को ये देखिए हेडसेट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारी एसेसरीज भी है वो बाद में कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा, ऐसा कुछ RGB लाइटिंग भी है, बहुत ही अमेजिंग है। अंदर और एक आप लोग को बैग भी देखने को मिल जाता है, ये जो बैग है ये ROG की तरफ से है, बहुत ही एलिगेंट लुकिंग बैग है, इसको आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैग है। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रैप की बात करें, अंदर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बहुत ही अमेजिंग है, ये मेरे जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो ये मैं ज़रूर यूज़ करूँगा। अभी मेन बात आती है जो यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप की पैकेजिंग बहुत ही बेहतरीन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे डैमेज की कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे इसको कट करते ऊपर आप लोग को एक रैप दिखाई देता है पॉलीथीन की, उसको हम लोग यहाँ पे कट आउट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो इसको सेटिस्फाइंग फीलिंग आता है यार जब ये पील ऑफ किया जाता है, तो पील ऑफ करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, तो अच्छी तरीके से इसको पील ऑफ कर लेते हैं। अभी यहाँ से सिर्फ आप लोग को इसको लिफ्ट करना है, अगर लेफ्ट साइड में लिफ्ट करोगे तो ऐसा आएगा, वो अमेजिंग यहाँ पे आप लोग को जो है हिंज दिखाई देता है, जो ये लुक है ना इस लैपटॉप की बहुत अमेजिंग है। आप लोग यहाँ पे फील कर नहीं पाओगे लेकिन हाथ में लेने के बाद ये बहुत सॉलिड लग रहा है। ऊपर के पैकेट की बात करें तो यहाँ पर एक डब्बा देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या है पता नहीं, बट खोल के देखते हैं, शायद से इसके अंदर यूज़र मैनुअल वगैरह ही होना चाहिए। तो ये क्या है, डे लाइट टू का यहाँ पर हमें जो है गेम देखने को मिल जाता है फ्री। साथ ही साथ यहाँ पे आसूस की तरफ से कुछ लीफलेट्स है जो आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप चाहे तो इसके अंदर यही सब मिलता है। अभी लैपटॉप का रैपर जो है उसको खोल लेता है, लैपटॉप के ऊपर भी कुछ प्लास्टिक की शीट लगी हुई है जिसको खोलना होगा, तो जिसको धीरे से हम लोग खोल लेते हैं। अभी यहाँ पे खोलने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है बैक साइड में, तो अभी बैक साइड की बात करें तो वो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है यार। फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है आप लोग देख पा रहे हो और यहाँ पे जो लोगो है वो क्या एलिगेंट दिख रहा है यार, जो एम्ब्रॉस किया गया है, ये कोई RGB लोगो वगैरह नहीं है,
बट ये जो लाइट के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मज़ेदार है। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया गया है जैसे कि डिस्प्ले की फीचर्स है, उसके बाद 90 वाट आवर की बैटरी, टाइप सी की चार्जिंग, वाईफाई 6 सर्टिफाइड है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ये पन्ना जो है आप लोग को यहाँ से खींचना होगा, ये डायरेक्टली निकल जाता है। तो इस तरीके की आप लोग को लैपटॉप देखने को मिलती है ओवरऑल। तो अभी इसको अगर लीड को हम लोग ओपन करते हैं, लीड को ओपन करने के साथ साथ कुछ आप लोग को अमेजिंग सा सेकेंड डिस्प्ले दिखाई देगा जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। अभी एक छोटा सा बी रोल है, आप लोग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप लोग जब इसको खोलते हो तो नीचे का जो स्क्रीन है वो उठ जाता है, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है दोस्तों। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें तो यहाँ पर कोर i7 की 10th जनरेशन यूज़ की गई है, और यहाँ पे आप लोग को जो है RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाती है जो बहुत ही सुपर कूल है, बहुत सारी एफेक्ट्स के साथ आ जाती है। और यहाँ पे आप लोग को कीबोर्ड जो है फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलती है। कीबोर्ड नम पैड के अंदर अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको ऐसा कुछ कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखिए आप लोग सेकेंड स्क्रीन के साथ ये कुछ जो है ना बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और अमेजिंग लैपटॉप लग रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा लुभा देगा। अगर आप लोग हाथ में यूज़ करते हो तो बहुत अमेजिंग है। सेकेंड स्क्रीन यहाँ पे 4K है और ये टच पैनल है, तो टच सेंसिटिव सारी चीजें कर सकते हो। एक यहाँ पे एडिशनल जो है आप लोगों को आर्म रेस्ट दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग इजीली जो है टाइप वगैरह कर सकते हो। इसके अर्गोनॉमिक डिजाइन थोड़ी अलग है इसीलिए आर्म रेस्ट की जरूरत होती है, वरना आप लोग को टाइप करने में दिक्कत आएगी, इसलिए ये भी प्रोवाइड किया गया है ऑन द बॉक्स। कंप्यूटर के पीछे की तरफ आप लोग को LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, बैटरी, हार्ड ड्राइव और यहाँ पे चार्जिंग की। तो और यहाँ पे जो फ्रंट साइड में आप लोग को ROG का जो लोगो है वो एम्ब्रॉस किया है, बहुत ही अच्छी एलिगेंट लुक के साथ आता है। और यहाँ पे फर्स्ट साइड में भी यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छी टचअप दी गई है जो दिखने में बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। साइड में आप लोग को हेडसेट जैक, माइक्रोफोन जैक और पावर कनेक्टर की पोर्ट देखने को, पीछे की तरफ RJ45 HDMI की पोर्ट है, और यहाँ पे आप लोग को जो है USB की पोर्ट भी देखने को, साइड में आप लोग को Thunderbolt C की पोर्ट है, साइड में आप लोग को एयर वेंट्स भी दी गई है, पीछे की तरफ भी आप लोग को एयर वेंट्स दी गई है। और यहाँ पे आप लोग को जो है अलग सा जो है नॉब दिया गया है जिसकी मदद से थोड़ा लैपटॉप जो है ऊंचा रहता है। तो यहाँ पे रबर ग्रिप है जिसकी मदद से ये स्लिप बिल्कुल ही नहीं होगा। और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अगर लैपटॉप की डुअल स्क्रीन की बात करें तो नीचे वाला स्क्रीन 4K है जो कि टच पैनल है जो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर आप लोग को नीचे यूज़ करना है, जैसे कोई भी प्राइमरी डिस्प्ले से सेकेंडरी डिस्प्ले लाना है, वो इजीली आप लोग कर पाओगे। वन टच आप लोग को फैसिलिटी दी गई है, टैब खोलना है, टाइप करना है, कुछ भी आप लोग कर पाओगे। एक चीज़ को ऊपर ले जाना है और वहाँ से फिर नीचे लाना है, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ऊपर अलग काम कर रहे हो, नीचे अलग काम कर रहे हो, सारी चीज़ें आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, सब कंटेंट क्रिएटर्स कह लीजिए या फिर आप ब्राउजिंग मल्टीटास्किंग करते हो, तो सब लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये फीचर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर मुझे दो काम एक साथ करना है तो इजीली मैं कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो 300 हर्ट्ज की 1080p की IPS डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस करते हो तो आपको FPS बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग डिस्प्ले की क्वालिटी देखिए, कलर रेंज बहुत ही एक्यूरेट है। 4K डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी आप लोग को बहुत ही एफिशिएंट जो है कलर रेंज भी देखने को मिल जाती है। इस 4K डिस्प्ले में आप लोग गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, वीडियो भी प्ले कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे और फीचर्स की बात करूँ, साइड में जो एरो बटन मिलता है उस पर प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है जिससे आप लोग यहाँ पे सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। आर्मर क्रेट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लोग सारे चीज़ें CPU की परफॉर्मेंस, CPU की टेम्परेचर वगैरह, सारे फैन कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे टच पैनल जो है, यहाँ पे आप लोग को एक हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है जिसकी मदद से आप लोग राइटिंग वगैरह भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे यूज किया गया i7 की 10 जनरेशन 10875H की CPU और NVIDIA की GeForce RTX 2070 सुपर मैक्स क्यू एडिशन जो है यहाँ पे दिया गया, जो कि 8GB की ग्राफिक्स है जिसकी मदद से आप लोग सारे गेमिंग एक्सपीरियंस तो आराम से कर पाओगे। यहाँ पे रैम 32GB की यूज की गई है, दो स्टिक है, एक 16GB की लगाई हुई है, एक 16GB शोल्डर है, जो DDR4 की 3200 MHz की डुअल चैनल की रैम है, और यहाँ पे PCIe 3.0 की SSD स्टोरेज है जो कि M.2 NVMe जो 1TB की आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन थी जो आप लोग को जो है जाननी चाहिए क्योंकि ये वाली लैपटॉप बहुत ज़्यादा कैपेबल है। इस लैपटॉप की मदद से चाहे तो आप लोग कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो सारी चीज़ें आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट हाइलाइटिंग फीचर जो है यहाँ पे डुअल डिस्प्ले, एक तो सेकेंडरी
डिस्प्ले जो 4K डिस्प्ले है और ये टच स्क्रीन पैनल है, तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है जब भी आप लोग, अगर स्ट्रीमर हो तो नीचे आप लोग चैट कर सकते हो, ऊपर आप लोग स्ट्रीम कर रहे हो वो सब कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग पर्पस में भी काम में आता है और बहुत सारी मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और ये जो है ना सिंपल पैनल नहीं है, इसकी जो डिटेलिंग है बहुत ही अच्छी है, टच सेंसिटिविटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन पैनल है, प्राइमरी पैनल, वो जो है दोस्तों फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है आप लोग को, 300Hz की रिफ्रेश रेट है, तो बहुत ही मक्खन के तरीके से जो है ना आप लोग काम कर सकते हो, FPS गेम्स वगैरह अगर खेलते हो तो आपको जो है मज़ा ही आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों के दोनों डिस्प्ले में आप लोग को 100% sRGB देखने को मिलती है, तो फॉर कंटेंट क्रिएशन भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो एक ऑल इन वन लैपटॉप जो मज़ेदार है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, यहाँ पे बैटरी, अगर मैंने रेंडरिंग जो है ना 4K रेंडरिंग मैंने करके देखा था, यहाँ पर ये जो है लगभग 4 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देता है। अगर 4K में कंटिन्यूस आप लोग जो है टाइमलाइन एडिटिंग कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 4 घंटे बैकअप दे देता है, गेमिंग में ये 4 घंटे से भी ज़्यादा बैकअप दे देता है दोस्तों, 5 घंटे के आसपास बैकअप देता है, और इसके बाद अगर नॉर्मल टास्क करते हो तो 6 आवर्स प्लस ये इजीली बैकअप दे देता है। तो बहुत ही बेहतरीन 90 वाट आवर की यहाँ बैटरी है, एंड दैट्स प्रीटी अमेजिंग। मैंने इस तरीके की मशीन में और इस तरीके की बेहतरीन जो है ना बैटरी लाइफ मैंने नहीं देखी है, सच कह रहा हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ऐसा लैपटॉप मैंने कभी रिव्यू नहीं किया था। ये जो मशीन है आया, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया ये यूज़ करके, यार बैटरी ये जल्दी ख़त्म नहीं होता एक बार चार्ज होने के बाद। यार बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप लोग इसको पकड़ोगे तो इसको प्रीमियमनेस आप लोग को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये फुल्ली जो है मेटल बिल्ड है और इसकी फिनिशिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, तो लुक्स वाइज बहुत अच्छी है। तो यह मैं मेटल बॉडी है, फिर भी जो है इसका वेट उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स, ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, तो डिज़ाइन भी अच्छा है, साथ ही साथ जो है इसकी वेट फैक्टर भी यहाँ पे मुझे अच्छी खासी लगी। तो ये जो है फर्स्ट इंप्रेशन था अनबॉक्सिंग के बाद, मैंने कैसा 2-3 दिन यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अभी जो है इसका फुल रिव्यू आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा सारे चीज़ें कि वीडियो एडिटिंग में कितना एग्जैक्टली टाइम लगाता है आप लोग को मैं करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे बेंचमार्क वगैरह भी ट्राई करेंगे, तो सारी चीज़ें देखेंगे कैसे ये आउट परफॉर्म करता है, ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ कैसी है, थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह भी हम लोग चेक करेंगे, तो स्टे ट्यून करना। अगले वीडियो में आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, कब आएगा तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, जब आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आसूस और इंटेल को इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए और यहां पे एक बेहतरीन जो है एक प्रोडक्ट भेजने के लिए जिसको हम लोग यूज़ करेंगे और फर्दर इसकी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, नए हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब रेड बटन प्रेस कर दो, साइड में जो घंटी है प्रेस कर देना ताकि कोई भी फ्रेश अपडेट से मिस ना करे। तो इस वीडियो को यही पे खत्म करते हैं, मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय।